नाजिन थर में बहार की मुंद इंदे ही रोहिड़े के वण में पीला गाढ़ा गुल टिड़ी पिया रोहिड़े के गुल में चौपाए माल के चारे जो सहारो भी बण जी वो है तफसील दिसूँ था इन रिपोर्ट्स में थर के हुसन जो अंजान समझो वेंदड़ वणन में अहम बणल रोहिड़े जो वण जैमें बहार की मौसम इंदे ही गुल लगन शुरू थी वह वाहिद थर में यो ही रोहिड़े जो वण है जैजा गुल थर के इन मौसम में भी खूबसूरत बणायन था उन गड जानवर भी शौक से खाइन था जैकर जानवर खीर ए रत भी थर जहा मू इन काठिन के छिन्न चौरन के मजबूत बणायन ला इस्तेमाल कंदा गवर्नमेंट पारा इन वण की वाढ़ी से बंदिश है उन बावजूद थर पार्कर के मानून से गड मुल्क के बेन हिस्सों में भी मू थर अचन था ये बंगलन जायन की खूबसूरती वधायण ला दरन दरियन से गड खट के पावन पलंग ठाण ला रोहिड़े वे नाणे एवज खरीद कंदा अंग्रेज दौर में इन रोहिड़े के वण की वाढ़ी से मुकमल पाबंदी लगल हुई जैसे सख्ती से अमल भी कराए वो हो हिंसर भी वाढ़ी से पाबंदी लगल है पर अमल थे बराबर ना है हिंसर सिर्फ हिंदू तबके जो कुछ जातू एहतरामन रोहिड़े के वढ़ण बारण का परहेज कंदा इन रोहिड़े के वण के मुख्तलिफ शायर लेखकन अदीबन में पैं शायरी लिखण के उरूज से पहुँचाने ला पैं लिखण शायरी में इनको जिक्र किया वण है काठी न सिर्फ कीमती है पर इन गुल फुल भी ढड़ा कीमती है माल मवेशी के लिए खाद खुराक चलने वक्त फुगन की मौसम है इनमें गुल टुड़ा वक्त माल की चारे की शिदत से खोट महस है उत ही रोहिड़े के जो गुल ये उन माल के चारे तौर तमाम बेहतरीन कम इंदा इनमें माल में खीर जो है वो आरिंदो है रत उन गोश्त में अजाफ है इन वण के लतीफ़ साईं भी इन गुल फुल लतीफ़ साईं भी गाया है लतीफ़ साईं चे तो न का झल न का फल न को रायर डी में आणो हुजन आरिए रोड़ियो रता गुल मारू पाण मल मलीला मुरकन कैमरामैन फकीर सजाद संगड आबिद लोंगणी मेरान टीवी चेला।